करब। हाँ सर जी, ओ अतना ऐठत यही नहीं दे रही। हाँ सवेरे बातचीत हो ज्यादा तो बुला लीन जाई पुलिस वाले। सर जी ये वतना धनाम का दे दियो वो वाला तुम रखी लियो। तुमका न मिली कुछ। अच्छा हम कह रहे हैं अभी का हम चलो तिजोरी बंद कर। चलो चलो बंद करो। हाँ दोस्तों देखे विजय सिंह देखे ऐसे सेठ संग्राम सिंह से मिल करके उसी रास्ते के निकलता है जहाँ पे सेठ संग्राम सिंह का चमन है और चमन में देखे वही उनकी लड़की मौसमी अपनी सहेलियों के साथ चमन में देखे सैर करने आती है। आगे देखे क्या होता क्या रहे हो। और सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सब आए लेकिन तुम कब आओगे जाना पहचाना छाया हुआ ना हो। ये छोटी सी बच्ची हिमांशी और छोटा सा बच्चा हिमांशु दोनों बच्चों की तरफ से भाई 10-10 रुपया हाथों हाथ भेजे पार्टी को से धन्यवाद। ऐसा करते हैं आगे वाले चलो। हाहाहाहा
हाँ जी सुनिए, क्या बात है? आपसे कुछ कहना है। हमसे? पहले ये बताइए कि तुम हो कौन और इस चमन में क्या कर रहे हो। पहले आप बताइए आपके पिताजी का नाम सेठ संग्राम सिंह है। हाँ हाँ, मेरे पिताजी का नाम सेठ संग्राम सिंह है। बोलिए तुम्हारा क्या काम है? मेरा काम नाम मेरा विजय सिंह और है मौसमी। नाम मेरा विजय सिंह। मैं तुझको साथ लेके जाऊंगा क्योंकि तेरे पिता ने मुझसे 1,00,000 रुपया और हीरे की अंगूठी सब कुछ मुझसे लिया तेरी सगाई के विषय में। ए लड़की, ज्यादा बकबक मत कर। अरे सखी सखी, ये बताओ, ये तुम्हें लगता है कि इसके मुझसे लगता है 1,00,000 रुपया इसके पास होगा? अरे क्यों नहीं, मेरा नाम विजय सिंह जमींदार है। ओ जमींदार, लगता किसी पागल खाने से आया। हेलो स्टाफ, इसका दोस्त है क्या? तो इसके साथ में? अरे नाम बोले। हेलो स्टाफ, हाँ ये हमारे विनोद एंड हिमांशु भाई साहब, इसी गांव के निवासी हैं। हमारे भाई साहब की तरफ से 20 रुपए के नाम पार्टी कर से धन्यवाद। देखो विजय सिंह, तुम जो भी कुछ हो इस चमन से ले जाओ, इससे मैं तुम्हारी भलाई है। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करें। विजय सिंह देखिए मौसमी के साथ छेड़खानी करता है और उधर देखिए रानू को देखिए बदमाश रखाते हैं और रानू वहाँ से भागता है लखनऊ से और देखे हजरतगंज पहुँचता है। आगे देखे क्या होता है। तू ऐसे नहीं मानेगी मौसमी, सुन मेरी बात। और चढ़ली जवानी गोरिया अंग अंग फरके हो जैसे झमके बदरी, जैसे झमके बदरी। गोरी तोहर नैना जुल्फेदार हो I like that।
तेरी हड्डी करता सारे कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती। एक कबला के ऊपर अपनी ताकत दिखाता है। इसको जबरदस्ती अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, इसके बाप ने मुझसे 1,00,000 रुपया और हीरे की अंगूठी लिया, जब तक मैं इसके मांग में सिंदूर नहीं डालूंगा तब तक ये विजय सिंह चैन से नहीं बैठेगा। तेरे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है इसके बाप ने 1,00,000 रुपया और एक अंगूठी लिया? हेलो स्टाफ, हाँ ये हमारे प्रकाश कुर्ती वाले भाई साहब, ये ग्राम ओलिया निवासी हैं, उनकी ओर से 10 रुपए की नाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। बाबूजी देखो बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है, मेरे पिताजी ने इससे कोई पैसा नहीं लिया, मेरी सगाई क्या कहते हैं कि मेरी सगाई रानू सिंह से हुई है, मलिहाबाद वालों से। हाँ और ये झूठ बोल रहा है। हाँ, सबूत बताओ। सबूत? हाँ। द्वारपाल, मुझे सबूत बता। देख तेरे सामने मैंने 1,00,000 रुपया और हीरे की अंगूठी दिया था। बोल। यहाँ इका ले रही हो तो लड़ाई होने लगी। झाड़ो तो। बताएगा? हाँ, बिल्कुल। भैया, जोसार बिल्कुल बज्जर चूती आदमी है। कौन? जब हीरा जवाहिर मोती और सहारू का बाप ली तो बाप तो लेना जाए बेटे, वो कौन मतलब सही बात कहता है। जब 1,00,000 रुपया अंगूठी बाप ले लिया था, इसकी क्या गलती है? इसकी गलती? इसकी तो गलती कुछ नहीं, उसका ब्याज इसके साथ असूल करूंगा। प्याज पे है भैया, अब वही का प्याज तो अब हम चले तेरी बंदर की जबरदस्ती शादी करोगे? जब लड़की राजी नहीं है जबरदस्ती शादी करोगे? अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप चला जाओ, वरना सोच ले तेरा कलेजा चीर कर तेरे हाथ में रख दूंगा। जाता हूं, मैं मलिहापुर में रहता हूँ, हमारा नाम रानू प्रताप सिंह है, तुझसे कमजोर नहीं हूँ, तू सारे पैसे में खमन दिखाता, हम पैसे में खमन नहीं दिखाते हैं। अपनी गली का कुत्ता शेर होता है, और ये बात याद रखना। शेर के जबड़े से शिकार छीना है, शिकार एक दिन तुझे कुत्ते साले भाग रहे हैं, 2,50,000 मार कर हम इनका सर पकड़ कर लाई दीजिए। अभी देवी जी,
थे, आप ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? हमारा नाम, हमारा नाम जाना चाहती हो? जी क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या क्या कुछ? वो आपस की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। देवी जी बतलाइए क्या हुआ? देखिए आप घबरा क्यों रहे हैं? घबरा नहीं रहे, वो क्या है ना, रास्ते में बदमाशों ने पीछा किया, भागते भागते इधर आ गए तो आपकी इज्जत बच गई। मैं मलियापुर में रहता हूँ। मलियापुर में? हाँ, हमारा नाम रानू प्रताप सिंह है। हाय दिया, यानी मेरी सगाई आपके साथ हुई है? अरे आप पहले क्यों नहीं बताए? और मैं भी बेवकूफ हूँ। आपको ऐसा है, ये बताइए बदमाशों ने कुछ किया तो नहीं? नहीं नहीं, भाई भागते भागते अगर आपका चमन नहीं मिल जाता तो हमारे हीरे वगैरह सब लूट जाते, कम से कम 10 लाख के हीरे हमारे पास। कुछ नहीं हिरान और ना कुछ छीनी चोरी है, सिर्फ हमारे पास एक केला लाल ना छीन ली भैया। हम चली तुम भौजी के लेके आओ, टाइम समय बहुत कम है। ठीक है ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, यहाँ रास्ते तो ठीक नहीं है, ऐसे चलिए कि पिताजी घर पे हैं और चलिए आज की रात तुम मेरे घर पर रुकिए। चल गए। आपका नाम? हाँ मेरा नाम मौसमी। अरे बड़े भैया, अरे मैंने बता दिया कि मेरी सगाई। आप मौसमी हैं बड़े भैया, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मौसमी धन्यवाद, कम से कम आपकी आपकी वजह से हमारी जान बची और हमारी वजह से आपकी जान। लेकिन जय हो प्रभु, लेकिन जय हो माता दी। लेकिन 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 देखिए तो रही छुना मत, अभी सगाई हो रही है कर रही हो अब तो हम देखो। मैं सच में जब से मेरी सगाई हुई है मैं आप ही के ख्यालों में डूबी रहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी ऐसी मुलाकात होगी। लेकिन भगवान मिलाता है तो बहुत अच्छी तरह से मिलाता है, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मुलाकात इस हरे भरे चमन में हो गई। कोई बात नहीं, आओ आज चलते हैं घर और मैं खाना बनाऊंगी, खा लेना आराम करना उसके पास जाना। मौसमी ए कि हम तुम चोरी से ना ना हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से चाहिए हो रहा संग्राम सिंह बैठे अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। आगे देखिए कहानी क्या होती है। राम 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 राम। सेठ दुकान का हाल चाल सब ठीक, हम चला रहे हैं। चले चाहे भट्टी भार में जाए, तुम तो मालो माल है। अब एक सेठ जी सोने का हार याद फिर मिला। सेठ जी याद चीज करो, इतनी रकम पायो है और जो तुम्हारे दूठे दांत गिरी गए लगवा लियो।
अब बुढ़ापा में अरे लगवा लियो बुढ़ापा में दांत ना गए लगो ना लगी है का देखो अबे बिटेवा चमन के लौट के नहीं है हां गबर आप बड़ी तैयार हो गए मैं कहा आवे के इंतजार कर चलो बैठो आए गए बिटिया पिताजी मौसमी बिटेवा लौंडा लाई अरे पिताजी आप इन्हें पहचाने नहीं नहीं बिटिया हम तो नहीं पहचाने अरे पिताजी ये वही भानु सिंह के भाई रानू है जिनके साथ आपने मेरी सगाई की थी रानू अरे बेटवा चीने नहीं मान बच्चा सिर जी मुझे गलत नहीं समझना वो दरअसल वो आपके इस टेढ़े पुलिया पे बदमाश लगते हैं ना मैं हीरे जवरात का व्यापारी हूँ एक दुकान में सौदा करने लगा अचानक चार पांच बदमाशों ने हमारा पीछा किया और मैं भागते भागते आपकी बेटी की चमन पे पहुंच गया और इनसे मुलाकात हो गई हमारे पास कम से कम 10 लाख के हीरे हैं कम से कम बच्चा तुम्हार जान बची तुम्हार संपत्ति बची ठोक ठिकाने भी आएगा अब तुम्हारा कोई खतरा नहीं लेकिन मेरी बात अरे कुछ खाना पानी शरबत पानी का इंतजाम करियो भैया यूं बताओ हीरा जवाहरा लुटे तो नहीं 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 सिर जी सही वक्त पे मैं भाग कर आपकी बेटी के चमन पे पहुंच गया जी ठीक ठीक बिटिया ओ मौसमी पानी वाली नहीं लगता क्या कहते हैं चीनी कार की चीनी में नहीं जानी अच्छा ऐसा करो कि देखो नातेदार सेठ जी है पानी करवा दियो जाए ओ एका पौड़े जो है हमारे कमरा था सेठ जी पहले इनका आराम करा दियो चाय पानी करा दियो दीदी हो तो वो सफा कर दियो और सफा करके अब हम बिस्तर लगे कोई बात नहीं ऐसा है पहले मैं चाय नाश्ता करा दूं बिस्तर तो बाद में लग जाएगा हाँ तो के आओ बड़े मुनिमो हाँ सर जी एक बात है क्या बात है इतनी संपत्ति तो कमाए अयो 10 लाख का हीरा जवाहरात लेके आवा तो 10 लाख कबो देखबे नहीं 10 लाख ओ ऐसा करो इनका हवाए पियाए के और ये अपने कमरे में दे सोवाए और रात का सरोग डायरी काट अरे बड़ा दिमाग 10,000 10 लाख मिल दे ये और पीछे में भी आओ कौन सा दे कह दिया घर घर बड़ा दिमाग लगा हाँ। लेकिन यार बात को दिया बात कहो ना अरे तो कोई सुनतो तो नहीं है और सुनी न को और ये 10 लाख आधे तो ही का दे दिया आधे नहीं तीन हिस्सा हमारे एक हिस्सा तुम्हारा तो कतल तुम की हो कतल नहीं कतल करियो तुम और जैसे हम करना दे हो तो हम दे आप बताए आधे ले लियो भाई आधे 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 चलो ठीक है चलो बात चलो हाँ दोस्तों देखिए इधर सेठ जी अपने मन में सोचते हैं कि ये रानू के 10 लाख के हीरे इनको रात में मार दूं और 10 लाख के हीरे हमारे हो जाएंगे सेठ जी बिस्तर लगा आप बिस्तर लगा रहे हैं तुम काहे परेशान जल्दी करो ये 10 लाख का उठन मिल जाए तुम बिस्तर अब तो भाई तुम नातेदार में हमारे हो गए जीजा 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 आज हम तुम रहे लगे पहुड़ा पर यो काम ना हुई नवा नवा जीजा आवत है तो साला लगे है पहुड़ा थे काहे अलग नहीं जीजा अगर तुम हमका पहुड़ियो ना तो हम नाराज हो जा जीजा तुमका हम गाना सुनाई अरे बढ़िया गाना सुनी हो तो फूल के नंगाड़ा हो जाइ हो हाँ गाना सुनाई पहले पहुड़ावक कहो काहे नहीं लिटे हो
अरे हम कब सोच आप तो चार ऐसी ढंग ना दे पौड़ैयो गाना सुनाई सुनो गाना और जिनके आगे जी पौड़ा पौड़ा गाना बड़ा टॉप का है और जिनके आगे जी ओ उनके पाछे जी ओ उनका साला हूँ हो मेरे जीजा जी हो जिनका साला लागत इनकी बहनी का पूछ मारो इतना ज्यादा थके हैं कि सो गए इनके लगे पहुड़ो सोंधे मार इनका हम करब